एक मेरा सपना पूरा होने जा रहा है आज। भाई ये बैग ना बार बार देखो क्या करना, देख रहे हो जैसे यहाँ से लोडेड बाइक है ये, तो बड़ी मुश्किल से ये सारा बंधा है। और थैंक ये देखो, और सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है चार धाम के लिए, आप यहाँ से और केदारनाथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे नई सीरीज में जो कि मैं कर रहा हूँ, केदारनाथ यात्रा 2024। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि केदारनाथ आप कैसे पहुँचें, और मैं कर रहा हूँ अभी बाइक से ट्रैवल, बट उसके बाद भी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी मिलेगी कि आप हेलीकॉप्टर से कैसे जा सकते हैं और आप बस से कैसे जा सकते हैं, कितने रुपये फेयर होने वाला, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस पूरे ट्रिप में मिलेंगी। तो काफ़ी सारे हम वीडियोस अपलोड करेंगे और आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, लाइक एंड कमेंट भी कर देना। सपना पूरा होने जा रहा है आज, मैं निकल चुका हूँ केदारनाथ राइड के लिए और बाइक से। वो मेरा एक सपना था यार, कि लास्ट ईयर भी एक प्लान था यार, और वो प्लान ना मेरा सक्सेस नहीं हो पाया, बट इस बार मेरा प्लान मतलब फाइनली हम निकल चुके हैं और अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली से निकल रहे हैं हम केदारनाथ यात्रा के लिए। कैसे कैसे जाते हैं, पहुँचना तो हमें डेस्टिनेशन जो हमारी है वो केदारनाथ है, बट कैसे कैसे जाते हैं वो सारी आपको इस केदारनाथ यात्रा 2024 की सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ भाई हमारा पूरा सेटअप। ये देखिए, ये हो गई हमारी पूरी लोडेड बाइकें, ये बड़ी मुश्किल से ये सारा बंधा है। और थैंक्स भाई, ये अभी सारा सामान बांध दिया है, ये अपने हाथ में लेकर आए थे सारा सामान उसके बाद सारा ये बांध दिया है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं हरिद्वार के लिए और सीधा मिलेंगे वहीं पर। चलो भाई, अब मिलेंगे सीधा हम समवेयर कहीं हरिद्वार में। तो इस यात्रा का सबसे पहला स्टॉप हमने ले लिया है जो कि है क्रिस्टल वर्ल्ड। तो क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क है ये हरिद्वार में, और मेन रोड पे ही है ये, एकदम मेन रोड पे ही है, जस्ट इसके KFC और बीकानेर वाला है तो उसके पास, एकदम जस्ट पास में ही है। तो थोड़ी देर के लिए भाई हम यहाँ पे जा रहे हैं, वाटर पार्क की मस्ती लेंगे, राइड्स का मज़ा लेंगे और साथ ही साथ यहाँ की आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। बट डिटेल वीडियो के लिए ना मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा, तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल वीडियो दिखेगी अगर आप भी हरिद्वार आ रहे हैं या फिर आप हरिद्वार के आसपास से हैं और जानना चाहते हैं कि भाई क्रिस्टल वर्ल्ड की क्या टिकट प्राइस हैं, क्या टाइमिंग्स हैं और कब कब कितने कितने क्या क्या टिकट रहती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दूँगा। तो चलो भाई चलते हैं अंदर, राइड्स का मज़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी दिखाएँ। क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क को कवर करने के बाद ना हम पहुंच चुके हैं चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में। हरिद्वार में कहां होती है चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, तो आपको आना है रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के पास में ही है ये जगह। तो यहां पे देखिए चारधाम यात्रा फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड आप दिखाइए आपका यहाँ से हो जाएगा। तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, आज है 7 तारीख, 8 तारीख के लिए ये देखिए 8 तारीख से स्टार्ट होंगे, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन होते हैं। भैया क्या चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए? आधार कार्ड चाहिए होता है, बस आधार कार्ड और वो बंदा है वहाँ यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक होती है क्या? बायोमेट्रिक नहीं होती, फोटो खींचती है। ओके थैंक यू भैया। तो आपकी प्रेजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना सोचें कि आधार कार्ड दिखा के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हरिद्वार में आए हैं और आपको सोनप्रयाग के लिए बस लेनी है, किराया कितना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको कहाँ से बस मिलेगी, तो हरिद्वार बस स्टैंड में आ जाना और बस स्टैंड के आसपास आप ये वाली जगह ढूँढ लेना, GMOU का ऑफिस है यहीं पर, देखिए ये नंबर भी हैं, आप कुछ भी आपको पूछना हो तो बिजी जाएंगे वैसे नंबर, बट आपको फिर भी इंक्वायरी लेनी हो तो आप इंक्वायरी ले सकते हैं इस नंबरों से।
चार धाम के लिए आप यहाँ से, और केदारनाथ जाना है तो सोनप्रयाग के लिए भी आपको ना यहाँ से टिकट मिल जाएगी। सो टिकट का जो प्राइस है ना अभी वो है सोनप्रयाग, हरिद्वार से सोनप्रयाग का वो 550 रुपये है, और पहली बस चलती है लगभग 4 बजे के आसपास। और अभी मैंने पूछा था कि कितनी बसें चलती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है रश के ऊपर, कभी 5-7 बस निकलती हैं, कभी ज़्यादा भी निकलती हैं, सीज़न आएगा तो उस हिसाब से बसेस बढ़ जाती हैं। भाई ये बैग ना बार बार देखो कैसे खुल रहे हैं, इन्होंने बड़ा दुखी कर दिया हमें। तो भाई बड़ी लंबी राइड करने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग में हमने उत्तराखंड टूरिज्म का यहाँ पे धर्मशाला है तो यहाँ पे स्टे ले लिया है, जिसका हमें किराया अराउंड 600 रुपये के आसपास पड़ा है। 4 बंदे यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, मेरा यहीं पे पास में गांव है। उसके बाद भी ना मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसे पता चला है कि यार यहाँ पे भी स्टे का ऑप्शन है, और वो भी इतने चीप प्राइस में। बट सुबह दिखाऊँगा वैसे ये वाला व्यू, एकदम व्यू देखो, संगम, ये है संगम, दो नदियों का जो संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी, जो आगे चल के गंगा बनाती है। तो इस ब्यूटीफुल सी जगह पे हमने स्टे लिया है, सुबह जाएंगे नीचे और दिखाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, एंड ज़्यादा से लोगों तक शेयर कर देना। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।